टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपका बजट 25,000 रुपया है और आपको इस बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या नहीं तो कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कर्व डिस्प्ले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्पेशल उसी फोन को रखा है जिसमें कर्व डिस्प्ले मिलेगा। कर्व डिस्प्ले तो मिलेगा ही, इसके अलावा परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। ये सभी फोन को इस बजट का एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो अगर आप गलत स्मार्टफोन को लेने से बचना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना इधर उधर की बात किए चलिए देखते हैं आज का प्यारा वीडियो को। तो लिस्ट में पहला बेस्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी P1 Pro 5G। ये फोन स्पेशल उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 20,000 के अंडर में है। अगर आपको 20,000 रुपया में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो ये दोनों कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है आइए देखते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस पंच होल OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि कर्व डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है और 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। ब्राइटनेस ठीक है, इंडोर आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात डिस्प्ले ब्राइट एंड क्लीन मिलेगा और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी बड़ी बात है ये। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सोनी LYT 600 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो कैमरा को डिसेंट कहेंगे। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 6 लाख के आसपास अंतु स्कोर है। 19-20 हजार वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, प्रोसेसर पावरफुल ही मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। चार्जर बढ़िया मिलेगा, आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। और 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड वो प्लास्टिक का बना हुआ है। 186 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.3 mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह को डिसेंट कहेंगे। डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना चॉइस होता है। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UI 5.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 20,000 रुपया देना होगा, 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 21,000 रुपया देना होगा एंड 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 23,000 रुपया देना होगा। तो 25,000 के अंडर में कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। इसके जगह पे मोटो एज 40 न्यू को भी ले सकते हैं, हालांकि वो फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको मोटोरोला एज 50 फ्यूजन को लेना चाहिए। खैर ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। सबसे बड़ी बात पता है कि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 360 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा और 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है जो कि काफी ज्यादा है, जिसके कारण से अगर आप इस फोन को सनलाइट वगैरह में भी यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड क्लीन मिलेगा, डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सोनी लिथिया 700C वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप इस फोन के सभी कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। इस फोन का रियर साइड का कैमरा वो बढ़िया मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा को डिसेंट कह सकते हैं। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 6nm पर बना हुआ ये प्रोसेसर है और लगभग 5,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। स्कोर ठीक है एंड प्रोसेसर सही मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 68 वाट का चार्जर।
चार्जर को 14-15 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। तो चार्जर बढ़िया है एंड 5000 एमएच का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड वो सिलिकॉन का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 175 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9 mm का थिकनेस है। तो काफी पतला एंड हल्का सा फोन है और दिखने में और भी खूबसूरत लगता है। तो कह सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह टॉप नोच का मिलेगा। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स और एड्स वगैरह नहीं दिखेगा, जो कि ये रन करता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 पर। इसमें 3 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पेच अपडेट मिलेगा। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा। उससे भी अच्छी बात हमें ये लगा कि ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये फोन वाटरप्रूफ फोन है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 23,000 रुपया देना होगा और 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 25,000 रुपया देना होगा। तो 25,000 के अंडर में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G। 21-22,000 रुपया में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा। इस बजट के अकॉर्डिंग सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह बढ़िया मिलेगा। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। फिर सारा स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स में जानेंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक साइड इस फोन का लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 197 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8 mm का थिकनेस है। तो ये फोन काफी स्लिम फोन है और वेट एवरेज सा कह सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी वगैरह नो डाउट बढ़िया मिलेगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन XOS 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है और इसमें IP53 का रेटिंग भी है। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस LTPS कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और हाँ, यह एक 10-bit डिस्प्ले है। देखिए रिफ्रेश रेट टॉप नॉच का मिलेगा एंड ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। इंडोर आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं होगा। डिस्प्ले काफी लाजवाब का है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। और आप पीछे का कैमरा से 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। तो इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा ठीक मिलेगा, कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं। वही प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7020 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 6nm पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 4.5 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर है। स्कोर ठीक है एंड प्रोसेसर को डिसेंट कहेंगे। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45W का चार्जर को विद बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी और 20W का वायरलेस चार्जर का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये चीज काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो गाइस इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और गाइस इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 21,999 रुपया है। 22,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में अब आता है Vivo की तरफ से Vivo T2 Pro 5G। गाइस इसके जगह पे iQOO G7 Pro 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है एंड सेम प्राइस में मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों फोन में कर्व डिस्प्ले मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो वैसे इस फोन का बैक साइड वो ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 175 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.36 mm का थिकनेस है। तो काफी लाइट वेट एंड काफी स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है ये। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह के मामले में ये फोन काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। इसके अलावा इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन फनटच OS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है और इसमें IP52 का रेटिंग भी मिलेगा। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि कर्व डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 240Hz
हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट है और 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी है जो कि काफी ज्यादा है। इंडोर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड क्लीन मिलेगा और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो और अच्छी बात है। खैर अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मैन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.7 का अपर्चर है। पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो भी 30fps पर। इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा तो नहीं मिलेगा बट इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का सही है। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। हाँ, 22-23 हजार के बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर काफी पावरफुल है एंड स्कोर भी बढ़िया मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4600mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 66W का चार्जर को। चार्जर बढ़िया है, आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा। वहीं पे रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का टॉप वेरियंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 24,000 रुपया है। वैसे इस फोन का बेस वेरियंट भी आता है 8128 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 23,000 रुपया है। तो 23-24 हजार के बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। Vivo T2 Pro 5G आपको Flipkart पर मिलेगा एंड IQ G7 Pro 5G आपको Amazon पर मिलेगा, तो जो आपको बेहतर लगे आप उसे ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब 25,000 के बजट में ये भी एक अच्छा बढ़िया कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है। खैर ये फोन आता है Realme की तरफ से, Realme 12 Pro 5G। लगभग 26-27 हजार के बजट में ये फोन लॉन्च हुआ था बट फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा, यानी कि 25,000 के अंडर में ही मिलेगा। तो काफी तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। तो हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। वैसे इस फोन का बैक साइड वीगन लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.7mm का थिकनेस है। वेट को एवरेज सा कह सकते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा बट 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन Realme UI V5.0 के साथ आता है जो कि Android 14 पर बेस्ड है और इसमें IP67 का रेटिंग भी मिलेगा। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि यह पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है और 950 नीट्स का ब्राइटनेस भी है। रिफ्रेश रेट काफी टॉप नॉच का है एंड ब्राइटनेस डिसेंट है, इससे काम चल सकता है। इंडोर आउटडोर वगैरह में दिक्कत नहीं होगा और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मैन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.8 का अपर्चर है और अच्छी बात यह है कि प्राइमरी कैमरा में सोनी MX882 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और बाकी बात 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो भी 30fps पर। तो वही डिस्प्ले के मामले में ये फोन तो बढ़िया है ही, प्लस कैमरा भी इस फोन का बढ़िया मिलेगा, इससे कोई भी शिकायत वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 5,75,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर खराब नहीं है बट प्रोसेसर डिसेंट कह सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। लगभग 18-19 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का टॉप वेरियंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे फ्लिपकार्ट पर 24,999 रुपया है। तो 25,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे इस फोन का बेस वेरिएंट वगैरह भी आता है, आप देख लीजिएगा इस चीज को। खैर इस वीडियो में मैंने 25,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसमें कर्व डिस्प्ले है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।